चंबा टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। एमपी के रायसेन में विद्युत विभाग कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और चक्का जाम भी कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। उन्होंने आकर स्थिति को संभाला। दरअसल बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मिर्जा जावेद बेग पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता की है और उनके साथ मारपीट भी की गई। इसी के विरोध में जब उपभोक्ता प्रदर्शन करने लगे तो वहाँ पर कांग्रेसी नेता संदीप मालवीय और विकास शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इसी दौरान जब हंगामा कर रहे कांग्रेसी बिजली कार्यालय में घुसे तो पुलिस ने उन्हें रोका और अधिकारियों के साथ उनकी हल्की सी झूमाझट की और बहसबाजी भी देखने को मिली। उपभोक्ता का कहना है कि वो अपने बिजली बिल संशोधन के लिए विद्युत कार्यालय आए थे, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मारपीट भी की गई। इसके बाद थाने में शिकायत की, लेकिन वहां पर FIR नहीं लिखी गई। इसी को लेकर विद्युत विभाग में आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष संदीप मालवीय और विकास शर्मा भी उपभोक्ताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और असिस्टेंट इंजीनियर मिर्जा जावेद बेग पर FIR दर्ज करने और पद से हटाने की मांग की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को समझाते हुए जाम खुलवाया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटे तक चलता रहा। मामले में विद्युत विभाग के GM का कहना है कि आवेदन मिला है और असिस्टेंट इंजीनियर जावेद बेग को निलंबित किया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ नहीं हुआ, क्या है, मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि सर आपका बिल बाकी, आप यहाँ पर आ जाइए। मैंने सर कहाँ पर, मैंने कहा मुझसे कहने लगे यहाँ पर होटलों पे आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा होटल पे, मैंने कहा मेरे घर तो राहुल नगर में। कहला नहीं नहीं आप यहाँ पर आ जाओ, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम वहाँ मिलने गए। तो हमने पूछा सर कितना क्या बिल आ गया। कहला 30,000 रुपये। मैंने 30,000 किस हिसाब से। कहला आपका बिल है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैंने कहा किस हिसाब से दिया गया ये तो बता दो। कहला आप अधिकारी से जान के बात करना। मैंने ठीक है। कहला आप अधिकारी बैठे चले आओ। तो मैं यहाँ पर अधिकारी से मिलने आया। मैंने सर ये बिल आपने दिया है किस हिसाब से दिया है। तो मुझसे कहला अरे तुझे तमीज़ नहीं, तू बगैर कहे केबिन में कैसे आ गया मुझे अधिकारी से मिलने के लिए। मैंने सर आप अधिकारी हैं तो मैं स्वयं आया हूँ आपके लिए मिलने के लिए। तो मुझसे बोलना का चल गेट लगाना, उसको भगा बाहर धक्के दे के। मैंने सर धक्का मत दे देना भूल कर भी। कहला अच्छा नहीं हम तो धक्का देंगे। तो इसने कहा लगाना गेट। तो गेट लगा के इसने राजा ने और गेट लगा के मुझे कुर्सी फेंक के मार दी और मुझसे झूम गया, मुझे केबिन में अंदर बेड़ के और मुझे काफ़ी देर तक मुझे बंधक बनाया अंदर। हाँ बिल्कुल फुल रूप से गुंडागर्दी चल रही है, मारा पीटी हो रही है। कहला और मारूंगा, कहले और आओगे तो और मारूंगा और ऐसे ही करूंगा मैं। कहले जो तुम्हें करना है वो कर लो, कहले मैं किसी से नहीं डरता। आपने कहीं की थी? हाँ थाने प्रभारी महोदय से बोला था मैंने। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो उल्टा मुझ पे केस बनाने लगे थे। विद्युत मंडल की गुंडागर्दी। मेरी मांग अभी पूरी नहीं होती है तो मैं यहीं बैठा हूँ। इन्होंने मुझे 24 घंटे का बोला है मगर कार्रवाई 1 घंटे में भी हो सकती है। ये झूठा आश्वासन देते हैं। 1.5 महीने पहले भी एक लड़के को मारा था तब भी इन्हें झूठा आश्वासन दिया। ये अधिकारी सिर्फ यहाँ पे लोगों को मारने के लिए बैठे हैं तो ये झूठे आश्वासन से मेरा काम, मैं यहाँ पे नहीं उठूंगा। जब तक इसको अधिकारी को यहाँ पे सस्पेंड नहीं करा जाएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा विद्युत मंडल। वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे का समय क्या होता है भाई? आपको कार्रवाई करनी है तो वो 1 मिनट में हो सकती है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और धरने पर जब तक मांग पूरी है तो धरने बैठे रहेंगे। हमारा सिर्फ सिंगल रायसेन शहर वितरण केंद्र में MP विद्युत कंपनी के रायसेन शहर के पास जो वितरण केंद्र है रायसेन शहर,
वहाँ पे पदस्थ हैं राय असिस्टेंट इंजीनियर जावेद बेग, वो यहाँ पे विगत 5-6 महीने से पदस्थ हैं। उन्होंने विद्युत बिल की बकाया राशि की वसूली के लिए कैंप लगा के काम कर रहे हैं। आज एक उपभोक्ता आए थे, उनका कुछ बिल में उनको कुछ विवाद था, तो जैसे कि पूरी जांच तो अभी हुई नहीं है, अभी जो जानकारी में आ रहा है जैसा कि बताया है कि विजय जावेद बेग उस उपभोक्ता पे बिल सुधारने की वजह भड़क गए, गुस्सा हो गए और कुछ ऐसा व्यवहार किया जो नहीं करना था, ऐसा बताया गया। तो इस बात पे इतना ज़्यादा आक्रोश हो गया पब्लिक में, हम लोगों ने समझाया उनको, मारपीट की नौबत आ गई, जो उपभोक्ता के पक्ष की तरफ से काफ़ी लोग आ गए थे, बहुत भीड़ आ गई थी, उन्होंने कुछ तोड़फोड़ भी किए और इस बीच पुलिस को बुलाना पड़ गया, पुलिस ने आके पूरा मामला संभाला। इस बीच जो आक्रोशित उपभोक्ता थे और वो लोग धरने पे बैठ गए और उन्होंने मांग करी। वो हमला ये भी निकल के आ रहा है कि जब से यहाँ पर पदस्थ हैं इस प्रकार के विवाद लगातार चलते चले आ रहे हैं, किस लोगों को और साथ लोगों के साथ ही मारपीट की गई है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, पूर्व में एक घटना हुई थी लेकिन उसके बाद से सब माहौल सब शांत हो गया था, सबको पार्टियों को समझा दिया गया था इस तरह से शांति से काम करना, कोई ऐसी घटना नहीं घटी पिछले 2 महीने से, आज अचानक से कैसे हो गया इसकी हम जाँच कराएंगे। क्या आप इन पर कार्रवाई कर रहे हैं किसी प्रकार की अभी तक? इनको हम अभी हम कार्यवाही, चूँकि इसमें जो कार्यवाही होती है वो कंपनी मुख्यालय स्तर से होती है, उनको हमने बता दिया था पूरा, लेकिन यहाँ पे इतना आक्रोश था कि वो बिल्कुल भी समय देने को तैयार नहीं है और आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी, प्रशासन भी काफ़ी परेशान हो गया था और रोड जाम होने लगी थी, तो अभी हमने तत्कालिक प्रभाव से उनको निलंबित करके मिस्टर जावेद मिर्जा बेग को अब्दुल्लागंज में अटैच। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज़। दिगंबर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं, सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। पता वोडाफोन स्टोर, पाटीदार भवन, कच्छ कड़बा के बाजू में, मेन रोड, भगवानगंज, सागर। फोन नंबर है 9993182565, 8821844243।